नमस्कार दोस्तों, आपका धनवंतरि कृपा हेल्थ चैनल में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये मेरे हाथ में गिलोय है और गिलोय से आप जो एक बहुत बड़ी औषधि बना सकते हैं, और वो मेन तो शुगर के लिए, लेकिन ये सिर्फ जो शुगर के पेशेंट हैं उन्हीं के लिए नहीं होती, ये जो इसकी मेडिसिन बनती है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जो गिलोय की मेडिसिन है वो आपको कैसी बनती है, इसको कैसे बनाते हैं, ये आपको पूरा बताने जा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, अभी ये हमने इसको, जैसे ये मेरे हाथ में आप देख रहे हैं गिलोय है ये, तो इसको आप चार चार छः छः उंगल इसको पहले काट लीजिए। काटने के बाद इसको आप अच्छी तरह कूट लें, और कूटने के बाद जैसे आपने ये देख रहे हैं, जैसे मैंने पानी के बीज डाली है, तो अगर आपके पास मान लिया 10 kg गिलोय है तो इसमें 40 kg जो है पानी इसमें पड़ेगा। तो इसको क्या होता है, पहले अच्छी तरह बॉईल करना होता है, बिल्कुल बॉईल मतलब खौलते हुआ बिल्कुल आधा घंटा या एक घंटा हो जाए, तो फिर इसको जो कढ़ाई है उसको नीचे उतारना होता है और इसको एक बारीक चुन्नी या कपड़े से फिर छानना होता है। और छानने के बाद जो इसके अंदर जो पानी बचता है, मान लिया ये हमने ये छाना हुआ पानी आ गया, तो फिर हमने इसको क्या करना है, इसको अलग से कढ़ाई में इसको काटते जाना है, जैसे कि हम खोया बनाते हैं, और ये जो गुद्दा होता है ये गुद्दा इसको फेंक देते हैं, इसको पहले तो फेंक देते हैं फिर पानी को छानते हैं, ताकि इसके बीच में जो थोड़ा बहुत इसका गिलोय का डस्ट होता है वो निकल जाता है। तो दोस्तों, ये जो अभी मैं आपको मेडिसिन बताने जा रहा हूँ कि गिलोय के जो शुगर के लिए और इसके जो बनाने के तरीके हैं, या कितने प्रकार की आप गिलोय से शुगर की दवाई आप तैयार कर सकते हैं, तो वो मैं पूरा आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं शुगर के जो और भी बेनिफिट हैं वो भी आपको बताने जा रहा हूं। तो अभी जैसे हमने एक बहुत बड़े कढ़ाई में इसको गिलोय को, जब हमारे पास तो ये लगभग 15 क्विंटल के करीब करीब गिलोय थी, लेकिन इसमें जो हमारे पास बनेगी वो यही बनेगी लगभग ये 3-4 किलो 15 क्विंटल गिलोय में। तो आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ा कढ़ाहा है, नीचे आग जली हुई है, तो अभी देखिए ये बिल्कुल पानी ही लग रहा है। तो ये 15 किलो गिलोय का एक्सट्रैक्ट है, और इसमें बहुत सारी लेबर होती है, लगभग इसको हमें 20 दिन बनाते हो गए, लेकिन अभी ये इस लेवल के ऊपर बनी है। तो इसके मैं बेनिफिट बताने से पहले आप सभी माताओं बहनों भाइयों से ये निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत बड़ी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं। ये गिलोय जो है एक शुगर के लिए तो नंबर वन औषधि है ही है, और प्लस जो मोटापा होता है, मोटापे में बहुत बड़ा इसका रोल होता है, मोटापे को भी ये दूर करती है। और लास्ट में देखिए दोस्तों, अभी थोड़ा सा मैं आपको जो लास्ट में ये मेडिसिन बनती है, तो ये एक जैसे काली अफीम की तरह बन जाती है ये। तो जैसे हम इसको आपको खुरच के दिखा रहे हैं, तो ये मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल ऐसे हो जाएगी, यानी कि काली रबड़ी की तरह हो जाएगी ये। और इसकी डोज जो होती है लगभग एक चने के दाने के बराबर होती है। तो ये मेडिसिन जो है बाद में ऐसे सूख जाएगी, ये इसको जब काटते काटते चले जाएंगे तो ऐसी हो जाएगी बिल्कुल काली रबड़ी की तरह। और इसमें बहुत सारे भेद हैं, तो ये जो आपकी गिलोय है, मैं आपको इसका मोटा मोटा जो बता रहा हूँ कि ये जो गिलोय है इसको आप कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ आपको बॉडी पेन है, नर्वस सिस्टम, यानी कि जहाँ भी आपको नसों की दिक्कत है, आँखों में कम दिखाई देता है शुगर की वजह से, वो भी इससे ठीक होती है। ब्रेन पावर, आपकी याददाश्त, यानी कि दिमागी जो आपकी बारीक नसें हैं जो कमज़ोर पड़ चुकी हैं, उसके लिए बहुत ज़बरदस्त औषधि है ये। याददाश्त में इसका बहुत बड़ा रोल है। किडनी और लीवर के लिए ये बहुत ही रामबाण औषधि है। और जितना भी शुगर, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि जैसे शुगर के पेशेंट हैं, बहुत सारे मरीज हैं, तो उनके हाथ पाँव की कई बार उंगलियाँ सुन्न हो जाती हैं। अभी मेरे पास कुछ दिन पहले तो एक मरीज ऐसा भी आया कि उनकी जो अपना पैर का अंगूठा था
वो नीला पड़ गया था शुगर की वजह से, वो अंगूठा काटना पड़ना है, तो वो उससे भी ये निजात दिलाता है, क्योंकि ये नर्वस सिस्टम को जान डाल देता है और पैरों की जलन और पैरों के तलवे के जो दर्द होती है या जलन होती है उनको भी ये दूर करती है, तो इसका बहुत बड़ा रोल होता है। हाँ, एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ आपको कि जैसे अभी जैसे हम इसको बना रहे हैं, तो ये जो आपके लास्ट में बनेगी ये काली रबड़ी की तरह बनेगी। बहुत सारे लोगों का मत है कि गिलोय जो है कब्ज करती है, बिल्कुल ये किसी किसी मरीज को कब्ज कर देती है। तो मान लिया हम शुगर के पेशेंट को इस गिलोय देते हैं, तो जिस आदमी को मान लिया कब्ज की समस्या है यानी कि कब्ज रहती है, तो गिलोय को जो सबसे बढ़िया तरीका है लेने का, उसको उसमें आप उसके साथ त्रिफला चूर्ण जरूर लें या ले सकते हैं। अगर किसी को मान लिया दस्त की प्रॉब्लम है, जैसे किसी को IBS जो एक बीमारी होती है उसमें इसका बहुत बड़ा रोल है, उसको भी ठीक करती है, तो उसमें त्रिफला चूर्ण डालने की ज़रूरत नहीं है या साथ में लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा इसका ये है कि अगर इसमें जैसे आपके पास ये हम ये दवाई जैसे लास्ट में बन जाएगी, अगर फिर हम मान लिया आपके पास आधा किलो ये तो दोस्तों जैसा कि मान लिया जैसा हम इसको काटते काटते आधा किलो हमारे पास इसका लास्ट में बच गया, तो उसमें हम जो दारू हल्दी है, मान लिया 1 किलो आपने दारू हल्दी लेकर के उसको अच्छी तरह काट करके और उसको अच्छी तरह छान लिया, प्रोसेस वैसे ही गिलोय का है, तो उस पानी को आप जो आपके पास गिलोय होगी उसमें आप गिलोय को बीच में डाल दीजिए, जो आपके पास दारू हल्दी का काढ़ा हुआ पानी होगा उसमें उसको डाल दीजिए, और डालने के बाद उसको फिर से वैसे ही पकाइए जैसा कि आपने गिलोय का ये काढ़ा तैयार किया। फिर इसमें 2 आइटम होगी, जब आप इस ढंग से जो कब्ज वाला मरीज है शुगर का, अगर इस ढंग से देंगे तो ये क्या करती है कि आपको कब्ज नहीं होने देती। दूसरा दोस्तों, सबसे जो शुगर का जो पार्ट है वो बना ये जो पैनक्रियाज होता है आपका, वो शुगर के लेवल को ठीक रखता है, यानी कि जो पैनक्रियाज का मोटा सिरा हमारे लीवर के नीचे राइट साइड में होता है, जो शुगर को कंट्रोल करता है, और इंसुलिन हार्मोन जो सिक्रीट करता है पैनक्रियाज, उसकी कमी से ये शुगर हमें होती है या किसी भी आदमी को होती है। और जब ये गिलोय जो है किसी भी व्यक्ति को वो पैनक्रियाज को एक्टिवेट करने में भी सक्षम है, और दूसरा उसमें क्या होता है कि जैसे वो पैनक्रियाज को एक्टिवेट करेगी तो एक्टिवेशन के बाद जो शुगर है वो स्वतः ही ठीक होना शुरू हो जाएगी, यानी कि इंसुलिन हार्मोन जो सिक्रीट करना पैनक्रियाज ने बंद कर दिया होता है वो उसको दोबारा से शुरू कर देती है। तो जैसे जैसे इसके लिए, खैर ये नहीं बोल सकते कि किसी को कितना टाइम लगता है, तो इसमें थोड़ा लंबा टाइम लग सकता है क्योंकि ये बहुत हठीला रोग है। तो दोस्तों ये जो गिलोय है इसको आप कैसे बना सकते हैं, इसकी दवाई तैयार कैसे कर सकते हैं, और एक और चीज़ कहूँगा कि इसमें शुगर के भेद भी हैं, बहुत सारे वातपित्त कफ की वजह से होती है ये और जो पैनक्रियाज को डिस्टर्ब करती है, लेकिन मैं आपको बाद में इसके गिलोय से और भी मेडिसिन बनती है जो इसके साथ हैं, या कोई और मटेरियल आपने इसका बनाना है और दवाई बनानी है कोई, या शुगर से संबंधित ही इसको आप दवाई बनाना चाहते हैं या दर्दों में। हाँ, एक और चीज़ तो भूल ही गया, इसका टाइफाइड में दोस्तों और जो प्लेटलेट्स घटते हैं उसमें उसका बहुत ज़बरदस्त रोल है। अगर मान लीजिए जितना मैंने आपको बताया कि चने के दाने के बराबर अगर डेली किसी को दिया जाए तो उसके बहुत तेज़ी से जो प्लेटलेट हैं बहुत तेज़ी से तो जो प्लेटलेट्स हैं हमारे शरीर में तेज़ी से बनना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि गिलोय अपने आप में एक बहुत बड़ी औषधि है, इसको अमृता गिलोय ग्लो गुड़ूची के नाम से जाना जाता है। और अभी तो मैंने इसका जो आपको एक तरीका मेडिसिन बनाने का बताया ये शुगर के लिए, तो आपको इस शुगर से या इस गिलोय से आप दूसरी जो औषधि हैं वो कैसे आप बना सकते हैं, उसको प्रोसेस बनाने का तो यही रहेगा, लेकिन आप किन किन बीमारियों में आप इसको किस ढंग से ले सकते हैं दोस्तों, ये आप अगले आने वाले वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और ये
आप वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और हमारा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। तो दोस्तों इस ढंग से जो शुगर पेशेंट के लिए आप दवाई बना सकते हैं, हाँ इसको आप 5 साल से ऊपर वाले बच्चे को दें, गर्भिणी स्त्री को ना दें, ये प्रिकॉशन रहती है इसमें। और जिसका जिस किसी का भी ऑपरेशन हुआ है इसका प्रयोग ना करें। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और लाइक भी करेंगे। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।